नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वेबसाइट है उसे अपडेट कर दिया गया है और अब जो है आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो 2021-22 का जो लिस्ट जारी किया गया है उसे जो है आप एक साथ अपने पंचायत और गाँव का लिस्ट को आप एक साथ जो है निकाल सकेंगे अपने ही मोबाइल से तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप जो है पूरे भारत के अंदर किसी भी पंचायत यानी किसी भी पंचायत या किसी भी गाँव का जो है लिस्ट को आप किस प्रकार से जो है एक साथ अपने मोबाइल से निकाल सकेंगे तो चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली निकाल के दिखाऊंगा इस वीडियो में बने रहेगा अंत तक क्योंकि एक एक स्टेप आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोगों को गूगल पर आ जाना गूगल पर आने के बाद आप लोगों को सर्च कर लेना होगा पी एम ए वाई जी तो नीचे आके ऑफिशियल वेबसाइट आई ए वाई डॉट एन आई सी डॉट इनका लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा तो इस पर जैसे आप जो है क्लिक करते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का वेबसाइट पर जो है आपको ले जाता है तो आप लोग को थोड़ा वेट कर लेना है जब तक वेबसाइट लोड लेता है तो चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं तो जैसे वेबसाइट यहाँ पर लोड लेता है तो आप लोगों को यहाँ पर जो है थ्री लाइन पर क्लिक कर देना होगा जो न्यू लिस्ट है उसे चेक करने के लिए जो है आज ही जारी किया गया है और वेबसाइट को अपडेट करके जो है आप एक ही फाइनेंशियल ईयर यानी कि दो हज़ार का सिर्फ लिस्ट को आप देख सकेंगे इससे पहले जो जितने भी प्रोसेस था उसमें जो है पूरा जो दो हज़ार सोलह सभी लिस्ट एक साथ आता था इसीलिए जो है आप अपना लिस्ट को नहीं आ, निकाल सक रहे थे या फिर अपना नाम को नहीं चेक कर पा रहे थे तो इस प्रोसेस से जो है सिर्फ दो हज़ार का निकलेगा तो आप जो है उसे आसानी से जो है अपने नाम को चेक कर सकेंगे तो चलिए यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है अपन दूसरे नंबर पर आवाज सॉफ्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा तो जैसे ही रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो पर रिपोर्ट सेक्शन ओपन होता है तो आपको जो है नीचे आ जाना होगा स्क्रॉल डाउन करते हुए तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से जो है आप दो हजार का सिर्फ लिस्ट को निकाल सकेंगे और अपना नाम को चेक कर सकेंगे तो आपको ऊपर कहीं भी नहीं जाना है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, और एफ एम एस रिपोर्ट्स के नीचे ऑप्शन पर आ जाना होगा यहाँ पर जो आपको तीसरे नंबर पर बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो है आपको क्लिक कर देना होगा यहाँ पर जितने भी बेनिफिशियरी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका लिस्ट को आप जो है आसानी से देख सकेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दो हज़ार इक्कीस बाईस आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा और दूसरे नंबर पर जो है आपको अपना इस, इस स्कीम को सिलेक्ट कर लेना होगा यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सिलेक्ट कर लेना होगा तीसरे नंबर पर अपना जो है यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट कर लीजिएगा और चौथे नंबर पर आपको जो है अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा जैसे आप जो है यहाँ पर जिला को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जो है आपका प्रखंड यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है तो आपका प्रखंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा और अंतिम स्टेप जो होगा उसमें जो है आपको अपना पंचायत ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना होगा तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा तो दोस्तों जैसे ही आप जो है ग्राम पंचायत को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कैप्चा पूछा जाता है तो कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देना है तो चलिए यहाँ पर दोस्तों कैप्चा को एंटर कर देते हैं कैप्चा को जैसे ही एंटर करते हैं तो इस ग्राम पंचायत में अभी तक जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है सभी लोगों का लिस्ट आप जो है इस इसमें देख सकते हैं ये जो दो हजार के तहत जो है जितने लोगों का भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है आप आसानी से उन सभी लोगों का जो है नाम यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों का नाम देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस भी देख सकते हैं यहाँ पर कि वेरीफाइड हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है तो चलिए आशा करता हूँ कि ये जो न्यू वेबसाइट को अपडेट करते हुए जो यो न्यू जो पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत जो है आप न्यू लिस्ट को दो हज़ार का लिस्ट को देख सकेंगे ये प्रक्रिया आप लोगों को पता चल गया होगा और आप अपना निकाल भी सकेंगे तो चलिए अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को जरूर दबाएँ धन्यवाद